ए के खिलाफ इंदौर सहित अन्य क्षेत्रों में प्रदर्शन किया गया। बंबई बाजार, खजराना, आजाद नगर सहित अन्य मुस्लिम क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। बता दें कि खजराना में संविधान बचाओ मुहिम के तहत आयोजित प्रदर्शन में हाथों में तिरंगा लिए बड़ी संख्या में लोगों ने अपना विरोध दर्ज करवाया। वहीं इस तरह सदर बाजार, ईदगाह मैदान में सोमवार को बड़ी संख्या में मुस्लिम वर्ग के लोग पहुंचे और उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया। इस दौरान सभी समुदाय के लोगों ने इस आयोजन में शिरकत कर देश में एकता और अखंडता की मिसाल पेश की। मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ संत समाज ने भी इस आयोजन में हिस्सा लिया। CAA और NRC के खिलाफ चलाए गए हस्ताक्षर अभियान के तहत लाखों हस्ताक्षर हुए और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया गया। क्या हुआ था, जब ये CAB बिल लाया गया था तब हम लोगों ने एक मीटिंग करी थी हमारी बिल्डिंग में, और मीटिंग करके ये तय हुआ था कि हम चूंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है और विरोध जो है केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से था, तो हम कानून के दायरे में रखे विरोध हमारा दर्ज करें, क्योंकि ये मुसलसल लड़ने वाली लंबी लड़ाई थी। तो फिर हमने क्या करा कि इंदौर की सभी मसाजिद में, हमारे मुफ्ती मालवा नूरुल हक साहब की क़यादत में पूरी मसाजिद में हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जो कि 2.5 लाख के लगभग हमारे पास हस्ताक्षर होके आए हैं। उसकी जो है उसको हमारे को ज्ञापन देना था, उसका पहले तो खजराना हुआ, खजराने के में फिर बहुत ज़्यादा प्रशासन को दिक्कत आ रही थी, तो फिर हमारा शहर के 5 जगह ये तय हुआ हम लोगों की राजी मर्जी से कि 5 जगह पर हम कर लें और वहाँ पर कोई मसला ना हो। तो हम लोगों ने इसकी जिम्मेदारियाँ लेते हुए 10 लोगों की कमेटी बनाई और सब लोगों ने जिम्मेदारी पूर्वक इसको किया, और हमने हमारे जो ज्ञापन थे जो 2.5 लाख के करीब साइन थी, तो हर जगह जिस इलाके की जो साइनें थी वो हमने आज SDM साहब के माध्यम से, कलेक्टर साहब के माध्यम से राष्ट्रपति साहब को पहुँचाने का वो किया है। और इसकी जो भी बाकी बची हुई कानूनी लड़ाइयाँ हैं, कोर्ट वाली हो, भूख हड़ताल हो, चरणबद्ध आंदोलन चलेगा कानून के दायरे में रखे, उसको लेके आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया। और हमारे बहुत शांतिपूर्वक, जैसा कि आपने देखा कि सभी समाजों के लोग थे और हमारे मुस्लिम भाइयों ने बहुत शांतिपूर्वक राष्ट्रगान हुआ, झंडा को लहराया, तिरंगा झंडा फहराया गया, देश का राष्ट्रीय ध्वज, और सभी शांतिपूर्वक सारा कार्यक्रम हो गया। NRC के खिलाफ जो है पूरे मुल्क में तहरीक चल रही है, मुखालिफत चल रही है, मुजाहरे हो रहे हैं। उसी सिलसिले में इंदौर में भी 5 मुकामात में, खजराना में, अभी सदर बाजार में, चंदन नगर में, बम्बई बाजार में और आज़ाद नगर में ये मुजाहरे हो रहे थे। और ये इस मुजाहरे के ज़रिए हम कहना चाहते हैं कि ये काला कानून जो बनाया गया, इस कानून को वापस लिया जाए, और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम लोग तहरीक चलाते रहेंगे, मुजाहरे करते रहेंगे। आज कितने लोग यहाँ पर आए थे और किस तरह का विरोध में क्या क्या कहा गया, किस तरह की तहरीक दी गई? हमारे इस विरोध में जो है एक मुखालिफत में जो है मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिम भी मौजूद थे, और उन्होंने तकरीरें की, उन्होंने ये कहा कि हम मुसलमानों के साथ साथ हैं, ये सिर्फ जो है मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि सारे लोगों के खिलाफ है, इसलिए जब जब आप आगे आएंगे और हम आपके साथ रहेंगे और मिलकर जब तक कानून ख़त्म नहीं होता हम ये तहरीक चलाते रहेंगे, मुजाहरे करते रहेंगे। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ ना, हेलो, अरे तिरंगा फहराना भाई, रुक जाओ, पहले रुक जाओ, पहले रुक जाओ, इससे पहले तिरंगा फहराना कोई एक तक अपन सब इंसान है और अल्लाह ने अपनों को पैदा किया है, तो सब मिलजुल के जिंदगी गुजारो, ये नहीं कि तुम वहाँ चले जाओ। हमारे सबसे पहला आदमी हिंदुस्तान में उतारा गया था कौन, आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले इधर सामने सामने दादी इधर देखिए, हिंदुस्तान के जजीरे में उतारे गए थे, हमारी माँ बहनें भी उधर आई हुई हैं अलैहिस्सलाम दर्ज कराने, हम उनका भी तहे दिल से सम्मान करते हैं, सब हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। आप कितने वर्षों से हिंदुस्तान में हैं? आज विरोध किस चीज का है? 85 साल के उम्र है, हम उनका तहे दिल से सम्मान करते हैं, कोई मुसलमान हिंदू सब इंसान है, लेकिन ईमान कायम रखो। और ये ऐसी गड़बड़ का जो इस जमाने में हो रही है ना कि निकालो निकालो, ऐसा कोई आर्डर थोड़ी आया है, हम तो यहाँ के पैदा। इस कानून के बारे में आपको कुछ जानकारी है? थोड़ी कानून के बारे में ये जानकारी है कि ये मुसलमानों को यहाँ से निकालो, तो भाई यहाँ से तो हमारे बाप दादा, हमने कुर्बानियाँ दी हैं आज़ादी की खातिर, हमारे बच्चे कुर्बान हुए हैं। क्या नाम है आपका दादी? मेरा इकबाल जहाँ। कितने सालों से आप इंदौर में हैं? अरे मैं तो पैदा, मेरी 85 साल की उम्र है, 85 साल। आपके वालिद का नाम बताइए। हाँ, मेरे वालिद का नाम अब्दुल सत्तार खान पहलवान, कभी जीवन में कुछ नहीं हारे, शिवाजी महाराज के पहलवान थे वो, और मैंने सब राजाओं को भी देखा है और सब ने मोहब्बत करी है, दुश्मनी नहीं करी किसी के माध्यम से। किस कानून को हटाओ जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, कुछ
कुछ फर्क नहीं है, सबको अल्लाह ने पैदा किया। ठीक है।